नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने क्रियाकलापों के लिए चर्चित रहते हैं, पार्टी के लोग फक्कड़ कहते हैं तो विरोधी इसे पागलपन। सांसद कभी जमीन में बैठकर जूते सिलाते दिखते हैं, तो कभी नाली की सफाई करते, तो कभी किसी बच्चे को नहलाते, तो कभी शौचालय और ऑफिस की सफाई करते, तो कभी भरी सभा में अधिकारियों को खनकर गाड़ देने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर अगर यह एक संदेश देने के लिए किया जा रहा है तो उचित है। अगर सांसद इसी को अपना कार्य बना ले और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए तो शायद विपक्ष का पागलपन कहना उचित होगा। रीवा की जनता एक दशक से अपने चुने हुए सांसद को संसद भवन में अपने जिले की समस्याओं को संसद में प्रमुखता से रखते नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया जो काबिले तारीफ है और हम सबको साफ सफाई रखनी चाहिए, साथ ही सफाई कर्मियों का पूरा सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन अगर सांसद स्वयं यह कह दें कि रीवा के लोग नरक में रह रहे हैं और खुद सफाई करें, तो अपने आप में यह सिद्ध हो जाता है कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का मखौल उड़ाया जा रहा है। सांसद ने शहर के एक वार्ड को कहा कि अगर कहीं नर्क है तो यहाँ है, अगर नर्क है तो उसे स्वर्ग बनाने के लिए ही जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो आप क्या कर रहे हैं। अगर सांसद चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं तो लोग सोचने को मजबूर होते हैं कि हमने सांसद चुना है या सफाई कर्मी। सांसद का प्रमुख कार्य कार्यपालिका का नियंत्रण, कानून बनाना, वित्त का नियंत्रण, विमर्श शुरू करना, संवैधानिक कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य और न्यायिक कार्य है। रीवा की जनता इन सात कार्यों के लिए कभी सांसद को संसद में बोलते नहीं देखा होगा। सांसद की मुख्य शक्तियों की बात करें तो विधि निर्माण की शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, राज्यों से संबंधित शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्तियां, निर्वाचन संबंधी महाभियोग की शक्ति जैसे कई शक्तियां हैं। लेकिन क्या हमने कभी सांसद को इनके लिए आवाज उठाते सुना है? हमने जिले के राज्यसभा और एक पूर्व सांसद से बात की तो उनका क्या कहना है और स्वयं सांसद जनार्दन मिश्रा अपने इन क्रियाकलापों को लेकर क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं कि हमने जिसे चुनकर संसद भेजा है वह अपने कर्तव्यों के प्रति क्या राय रखते हैं और दूसरे पूर्व सांसद क्या कहते हैं। काला है दाल में या काली दाल है, होते सभी सिक्को पिए तक साल है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। सांसद जो है क्षेत्र का एक सर्वमान्य जनप्रतिनिधि होते हैं और उनका कार्य जो है देश की जनता के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाना और उस कानून को क्षेत्र में लागू करवाना सबसे बड़ा उनका महत्वपूर्ण काम है, जनहित में काम करना। तो जो सांसद होते हैं वो जनता की तमाम सारी समस्याओं को
को लेकर वो हमेशा काम करते रहते हैं। उनके ध्यान में हमेशा जन सेवा का भाव रहता है और जिस सांसद में जितने सेवा का भाव रहता है वो उतने अपने क्षेत्र में जनता के लिए लोकप्रिय होता है और उसका सिर्फ यही काम है कि जनता के सुख में, जनता के दुख में, जनता के ऊपर कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई भी समस्या होती है, इन तमाम सारी समस्याओं पर वो जनता के बीच में खड़ा रहे। जनार्दन मिश्रा जी हैं जो कि कभी नाली साफ करते हैं, कभी जनता के बीच में जाके उनके बच्चों को नहलाते हैं, कभी टोपी में एक छड़ लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात करते हैं, तो क्या मानते हैं इसमें आप? क्या लगता है कि दुनिया में कोई भी आदमी जो पैदा होता है, चाहे जिस जाति धर्म वर्ग का हो, गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, हर व्यक्ति को अपने इस संस्कार में रह के हर तरह के काम करने पड़ते हैं। जब आदमी सुबह उठता है तो उसको अपने ही शरीर में स्वीपर का काम करना पड़ता है, नहाना धोना पड़ता है, तो जिस तरह से आदमी के शरीर के लिए आदमी को हर पहलू में काम करना पड़ता है, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करना पड़ता है, फिर खाना पीना खाने के बाद श्रम में निकलना पड़ता है, तो इसी तरह से जो हमारे सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो सरकार की योजनाएं चली हैं उन योजनाओं को लेके और अंतिम छोर तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया है, चाहे चौराहे में झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे स्कूल में शौचालय साफ करने का काम हो, चाहे स्कूल के गंदे बच्चों को नहलाने धुलाने का काम हो, इस तरह से जो तमाम सारी योजनाएं हैं उन्होंने उसको माने पूर्ण रूप से उसको उतारने का उन्होंने काम किया है। जैसा कि आप भी पूर्व में रह चुके हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं सांसद जी की, जैसे कि कभी अधिकारियों को कहते हैं अकड़ मत दिखाओ, है ना, और कभी कहते हैं, कभी भाषण में बोल दिए कि जूता मारेंगे, कभी कोई बात बोल देते हैं, तो उसमें क्या मानते हैं आप? क्या ये सही उचित है? हमारे सांसद महोदय काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान हैं, उनको ज़बरदस्त अनुभव है और अपने उस अनुभव और अपने पद को देखते हुए कौन कैसा किस तरीके की भाषा को समझकर काम करता है ये उनकी खुद की अपनी कार्यकुशलता है, क्षमता है, विद्वता है, तो जो भी वो काम अपने ढंग से कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। देखिए जनता जो है जो अपने प्रतिनिधि भेजती है, जनता की अपेक्षाएं होती हैं और जनता की अपेक्षाएं दो तरह की होती हैं, एक तो होता है विकास कि क्षेत्र के विकास के बारे में हमारा प्रतिनिधि हमारी आवाज़ उठाए, और दूसरा होता है जो उसकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं की बात को उठाए, जो सामाजिक न्याय की बातें हैं, लोगों को न्याय की बातें हैं, सर्वहारा वर्ग पिछड़ा दलित जो उनके हक अधिकार की बातें हैं वो उनकी अपेक्षाएं होती हैं। नहीं तो मैं तो अपनी बता सकता हूँ, वो तो जाने लोकसभा के उनके क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है, और वो सत्ता के हैं, हम लोग तो विपक्ष के हैं, हम लोग जो नीतिगत मामले होते हैं उनको उठाते हैं, चाहे क्षेत्र के विकास का हो। हमने रेलवे के मुद्दे को उठाया कि रेलवे के लाइन से किस तरह से माने जोड़ा जाए, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्या है, इन सारी समस्याओं को सदन में हम लोग उठाते हैं और सरकार से मांग करते हैं, पत्र के माध्यम से भी मांग करते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, जो देश की चुनौतियाँ हैं, देश की सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, और सरकार जो है इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नए नए नारे देती है, नए नए झूठ का सहारा लेती है, और सरकार चाहती है कि जो असली मुद्दे देश के हैं, ये बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और सरकार का इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना विरोध का पक्ष फर्ज होता है, और उस चीज़ को हम लोग अपने तरीके से अनवरत प्रयास करते हैं। क्या सांसद इसलिए होते हैं कि सड़क में बैठे बच्चे को उठा के नहलाने लगे, नाली साफ करने लगे, शौचालय साफ करने लगे, और वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से उनको बोले कि हम खनके गाड़ देंगे, क्या इसलिए सांसद होते हैं? देखिए जो है संसद की गरिमा के खिलाफ है और संसद की एक गरिमा होती है, इस तरह की बातें उन्होंने पहले बताया कि माने मुख्य बातों से ध्यान जनता का हटाने के लिए इस तरह की माने छोटी छोटी चीज़ें जिनका कोई औचित्य नहीं है
राज्यसभा के सांसद की हैसियत से उन चीज़ों में लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास होता है और कुछ नहीं है। स्थानीय कुछ जनता का कहना है कि ये सब मीडिया में चर्चित होने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है, तो क्या मानते हैं इसमें कि क्यों अखबारों में या मीडिया में ये क्यों हाईलाइट होती हैं बातें? ये इसलिए होती हैं कि इस काम को, ये जो बेसिक काम है, सेवा का काम है, इसे जनता ने ये मान लिया है कि नेताओं का ये काम नहीं है, जबकि सेवा सबसे पहला काम है, बेसिक काम है, बुनियादी काम है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ उनको समाज की समझ नहीं है, सामाजिक कामों की जानकारी नहीं है, सामाजिक कामों में उनकी रुचि नहीं है, गरीबों के बीच जाने में उनको शर्म महसूस होती है। शौचालय साफ करना, शौचालय की सफाई करना कितना आवश्यक है। एक दिन ये जो है, जो में जो इसको मजाक उड़ाते हैं, इनकी बहन बेटियां जाकर के एक दिन खुले में शौच करें, तब इनको पता चलेगा कि शौचालय का क्या मिलेगा, कि गंदा बच्चा कौन होता है, बच्चे की सफाई कितनी ज़रूरी है, उसके कपड़ों की सफाई कितनी ज़रूरी है, उसके नाखून की कितनी सफाई ज़रूरी है। ये सारे लोग जो इस तरह की बात करते हैं कि ये अखबारों में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए मैं करता हूँ, उनको अपने बच्चों से तुलना करके, गरीब के बच्चों की तुलना करें, तब इनको पता चलेगा कि ये कौन क्या काम है। और इस तरह के उनके इनके बच्चों से पूछे, 10 दिन इनके बच्चों को कपड़े न मिलें बदलने के लिए, 10 दिन इनके बच्चे को स्नान करने के लिए पानी न मिले, तब इनको मालूम होगा कि ये कौन सा काम है, क्या काम है ये। तो इसलिए ये सब समाज के वो लोग हैं जो सामाजिक सोच से बहिष्कृत हो चुके हैं, ये बहिष्कृत सोच के लोग इस तरह की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये प्राथमिक ड्यूटी है, पहली कक्षा है ये किसी भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के काम का, कि पहली सीढ़ी है ये, जिस सीढ़ी को तोड़ दिया गया है, मैं उस सीढ़ी के निर्माण का काम कर रहा हूँ। गरीब बस्तियों में, गंदी बस्तियों के लोगों को नसीब नहीं है, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है। क्या इसे दूर नहीं किया जा सकता? प्रयास हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी तो घर घर नल की योजना ले आए हैं, रीवा जिले में 5 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और आगामी वर्षों में एक एक घर में नल लगेगा। शौचालय उसी का एक पहला चरण था, पक्के मकान दूसरा चरण है, गैस तीसरा चरण था, चौथा चरण ये हर घर में नल। तो इस तरह से उनके बच्चों के विकास के लिए, उन बस्तियों के विकास के लिए, उन बस्तियों की स्वच्छता के लिए, उन बस्तियों की निर्मलता के लिए, उन बस्तियों का जीवन स्वस्थ जीवन जिए उन बस्तियों के लिए प्रधानमंत्री जी बराबर प्रयास कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह का उनका क्रियान्वयन है, ज़मीन पर उतारने की जो गति है, उससे निश्चित रूप से आगे मुक्ति मिलेगी। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।